बता दें कि बद्रीनाथ केदारनाथ में मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी कि मोबाइल फोन को जो है टेंपल प्रीमिसेस ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही थी। उस वीडियो में एक येलो कलर की साड़ी में एक जो है यूट्यूबर ब्लॉगर जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को प्रपोज करती है, और आपको मैं बता दूं वो प्रपोज जो है वो केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल बाहर करती है। जैसे ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होती है, लोगों का, जनता का अलग अलग नजरिया उसे देखने का, और अलग अलग जो है लोग अपने नजरिए से उसे देख रहे थे, पर वहीं पर कहीं लोग उनकी सपोर्ट में भी नजर आए, पर कई लोगों ने ये भी कहा कि जो है मंदिर के प्रीमिसेस में ये करना गलत है। इसलिए लगातार लोगों की ये मांग उठ रही थी कि बद्रीनाथ केदारनाथ ने मोबाइल फोन्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं मंदिर के अंदर फोन ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है, साथ ही टेंपल प्रीमिसेस में आप लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वहाँ पर आप लोग जो है डिसेंट क्लोथ्स डाल कर आइए, और ये भी कहा गया है कि डिसेंट क्लोथ्स तो आपको डालने ही हैं, पर वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बोर्ड लगाया जाएगा, जिस बोर्ड में साफ तौर पर लिखा होगा कि अगर आपने रूल्स का उल्लंघन किया, रूल्स को तोड़ा, तो आप पर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये जरूरी खबर निकल कर सामने आई है, और मैं आपको बता दूं जितने भी लोग जिनकी मांग थी कि केदारनाथ में, बद्रीनाथ में मोबाइल फोन्स ले जाने पर प्रतिबंध लगाएं, आपको मैं बताऊं ये फैसला जो है वो आ चुका है कि अब केदारनाथ में और बद्रीनाथ में मोबाइल फोन्स ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। साथ ही साथ टेंपल के अंदर, मंदिर के अंदर आप लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर जो है वो कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको अपराधी मानकर दोषी करार किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि आप लोग डिसेंट क्लोथ्स डालकर ही मंदिर के अंदर आइए, इसके अलावा जो है इस तरह के क्लोथ्स जो आपत्तिजनक कपड़े होंगे, इस तरह के कपड़े पहनकर आप मंदिर के अंदर नहीं आ सकते हैं, आपको सिर्फ डिसेंट कपड़े पहनकर ही मंदिर के अंदर आना है। तो ये बातें जो है वो कही गई हैं, और ये तमाम फैसला जो है वो लोगों की राय को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है, क्योंकि लोगों की ही राय थी कि केदारनाथ में और बद्रीनाथ में मोबाइल फोन्स को बैन कर दीजिए, क्योंकि लोग वहां पर दर्शनों से ज्यादा जो है वो फोटोग्राफी करने पहुंचते हैं, एक जो है धार्मिक स्थल को एक आपको बता दें एक जो है वो फोटो पॉइंट बना लिया है, लोग वहां पर पिक्स खिंचवाते हैं, एक व्यू पॉइंट बना लिया है जहां पर आप लोग फोटोज खिंचवाते हैं। तो अब इस फैसले को ये आप ही की मर्जी से लिया गया है, और अब आप इसे किस तरह से देखते हैं अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिए आप ओनली टाइम्स के साथ। जय हिंद।